हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस से पार्ट 7 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 91 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपये है। इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ 2448 में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा कितना होगा, ये हमें निकालना है। देखो, क्रमिक बट्टे का मतलब होगा ऐसा बट्टा, ऐसा डिस्काउंट जो क्रम से दिया जाता है। इसको क्रमागत या लगातार डिस्काउंट भी बोला जाता है और इंग्लिश में इसको बोला जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सबसे पहले थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि ये क्रमिक डिस्काउंट क्या चीज़ होती है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारे पास मार्क प्राइस है 100 रुपये, ठीक है, और इसमें तीन क्रमागत डिस्काउंट दिए जाते हैं। जो पहला डिस्काउंट है वो है 10% का, दूसरा डिस्काउंट 20% का और तीसरा डिस्काउंट 10% का है। तो इसमें हमें तीन क्रमागत डिस्काउंट देने हैं। तो हम किस प्रकार से देंगे, देखो मार्क प्राइस तो हमारे पास 100 रुपये है, तो जैसे कि इसके नाम ही से पता लग रहा है कि क्रमिक का मतलब होता है ऐसा डिस्काउंट जो क्रम से दिया जाता है। क्रम का मतलब पहले 10% का डिस्काउंट देना होगा, फिर 20% का डिस्काउंट देना होगा और फिर दोबारा 10% का डिस्काउंट देना होगा, ठीक है। तो पहले 100 रुपये में हम क्या करेंगे, 10% का डिस्काउंट करेंगे। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपये। तो इसमें से ये माइनस कर दो, बचेगा कितना, 90 रुपये। या मैं 100 का डायरेक्ट क्या निकाल दो, क्योंकि 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो 100 में माइनस करेंगे तो 100 का सीधे 90% निकाल दो। तो यहाँ से भी कितना आ रहा है, 90 रुपये ही आ रहा है, ठीक है। तो ये 90 रुपये हमने निकाल दिया, यानी पहला डिस्काउंट तो हमने दे दिया। अब जो दूसरा डिस्काउंट दिया जाएगा वो 90 रुपये में दिया जाएगा, वो 100 रुपये में नहीं बल्कि 90 रुपये में दिया जाएगा। तो 90 रुपये में क्या करना है, मुझे 20% का डिस्काउंट करना है। तो 100 में से माइनस कर दो, यानी 90 का मैं 80% निकालूंगा। तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 9 8 72, यानी 72 रुपये हो जाएगा, ठीक। तो दो डिस्काउंट हमने दे दिया। अब जो तीसरा डिस्काउंट दिया जाएगा वो 72 रुपये में दिया जाएगा। तो 72 में 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी इसका मैं 90% निकालूंगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 दुनी 18 को 8 और 7 में 63 और 1 64, यानी कितना हो जाएगा, ये बटे में 10 भी है तो ये हो जाएगा 64.8 रुपये। यानी जब हम तीन सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे तो टोटल 100 रुपये की जो मार्क प्राइस है उसमें तीन क्रमागत डिस्काउंट देने के बाद हमारे पास रिमेनिंग कितना बचेगा, 64.8 रुपये हमारे पास रिमेनिंग बचेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो सक्सेसिव डिस्काउंट हैं वो अलग अलग दिए जाते हैं। तो टोटल डिस्काउंट कितने का दिया हमने, 100 में से माइनस कर दो, 100 में से 64.8 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो मानते हैं, तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 6 गया 3, यानी 35.2 रुपये का हमने टोटल डिस्काउंट दिया। तो अब देखो, ये जो डिस्काउंट दिए हमने ये तो हमने अलग अलग करके निकाले, अब एग्जाम में हमें किस प्रकार से इनको एक साथ निकालना है। देखो, टोटल मार्क प्राइस है हमारे पास 100 रुपये, इसमें पहले 10% का डिस्काउंट देना है, यानी इसका मैं क्या निकालूंगा, 90% निकाल दूंगा। तो ये हमने पहला डिस्काउंट दे दिया, फिर मुझे 20% का डिस्काउंट देना है तो इसका मैं सीधे क्या निकाल दूंगा, 80% निकाल दूंगा। तो ये मैंने दूसरा डिस्काउंट दे दिया, अब मुझे लास्ट में 10% का डिस्काउंट और देना है तो मैं इसका क्या निकाल दूंगा, सीधे 90% निकाल दूंगा, ठीक है। तो ये हमने तीन डिस्काउंट दे दिया। अब देखो, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर होता है 81, 7 में गुणा 8 भी है और बटे में हो जाएगा 10, तो कितना होगा, 8 एकम 8 और 8 8 64 और बटे में 10 है तो 0.5 हो जाएगा, यानी 68.8 आ रहा है, जो कि यहाँ से भी कितना आ रहा था, 60.8 ही आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, एग्जाम में जब भी हमें सक्सेसिव डिस्काउंट की बात की जाएगी तो हम इस प्रकार से 100 में माइनस करके सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो, इसमें मार्क प्राइस हमें दिया है कितना है, मार्क प्राइस दिया है 3200 और इसमें दिया है कि दो क्रमिक डिस्काउंट दिए जाते हैं। पहला डिस्काउंट हमें दिया है 10% का है, तो 100 में माइनस करेंगे तो कितना निकालना होगा, इसका 90% निकालेंगे, ठीक है। तो पहला डिस्काउंट तो हमने दे दिया। अब दूसरा डिस्काउंट देखो हमें नहीं पता, तो मान लीजिए एक्स परसेंट का डिस्काउंट दिया जाता है, तो एक्स परसेंट का जो भी डिस्काउंट दिया जाएगा उसको क्या करते हैं, 100 में माइनस करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको क्या करा, 100 में से जो 10% का डिस्काउंट है उसको माइनस करा, तब हमने यहाँ पे 90 लिखा। तो इसको भी मैं क्या करूँगा, 100 में से माइनस करूँगा, एक्स परसेंट का जो डिस्काउंट दिया गया उसको मैंने 100 में माइनस कर दिया, बटे में कितना हो जाएगा, बटे में 100 बराबर किसके आना चाहिए, बराबर होना चाहिए 2448 के, तो यहाँ पर मैं 2448 लिख लूँगा, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, फिर इसको 16 से काट दो, 16 दुनी 32 और इसको भी 16 से काट दो, तो 16 कम 16, 16 पंजे 80 और 16 48,
फिर इसको 9 से काट दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, 9 कम 9 और 7 में 63। ठीक, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 20 से इसको काट दो, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो इसका गुणा यहाँ पे करेंगे तो कितना बचेगा, 100 माइनस एक्स बराबर होगा 17 पंजे 85। अब माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसको मैं इधर लेके आऊँगा, तो यहाँ पर होगा -15, यानी एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, 15% के बराबर होगी। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो दूसरा तरीका भी है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या होता है, देखो इसमें 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, 10% डिस्काउंट का मतलब जो 3200 है उसमें 10% कम कर दो, यानी इसका पहले 90% निकाल दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, कितना होगा, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, यानी 2880 हो जाएगा। तो पहला डिस्काउंट तो हमने दे दिया, यानी दूसरा डिस्काउंट मुझे इस पे देना होगा। और इसमें हमें दिया है कि जब दोनों डिस्काउंट दिए जाते हैं तो लास्ट में जो सेलिंग प्राइस आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 2448 आनी चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं 2800 में से 2448 माइनस कर देता हूँ तो कितना बचता है, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 4 गया 4, यानी जो दूसरा डिस्काउंट दिया जाएगा वो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 432 रुपये के बराबर होगी। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, 2880 में मैं कितने प्रतिशत का डिस्काउंट करूँ, तो मान लीजिए एक्स परसेंट का डिस्काउंट करता हूँ जिससे हमारी वैल्यू 432 के बराबर आ जाए। तो यहाँ से भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी एक्स की वैल्यू हमें 15% ही मिलेगी। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है, यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमें निकालना है। देखो 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी 100 में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, और 20% का लाभ होता है, यानी 100 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 90 है तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। और इसमें दिया है कि यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए, तो देखो पहले कितने में बेचा जा रहा था, पहले 120 में बेचा जा रहा था, अब हमें 20% डिस्काउंट और देना है। 20% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा, 80/100। ठीक है, क्योंकि 100 में माइनस करते हैं तो इसका मुझे क्या निकालना होगा, 80/100 निकालना होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 12/96, यानी जो चीज़ पहले 120 में बेची जानी है वो अब कितने में बेचनी होगी, 96 रुपये में बेचनी होगी, तभी उस पर 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। देखो हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस भी हमारे पास है और सेलिंग प्राइस भी हमारे पास है, तो लाभ और हानि के लिए हमेशा ही दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है, और किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, तो बटे में हो जाएगा 90 और प्रतिशत के लिए गुणा कर देंगे 100 से, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, फिर 3 से काट दो, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, यानी कितना हो जाएगा, ये 20/3। 20/3 का मतलब 6 से ही 2/3% हमारा आंसर होगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है, वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। अब देखो 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसका मतलब 100 में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक है, और 19% का लाभ होना चाहिए, यानी कितना होना चाहिए, 119 होना चाहिए, यानी अगर कॉस्ट प्राइस 85 हो तो सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, 119 होनी चाहिए। तो मुझे क्या निकालना है कि वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे, तो कम और अधिक के लिए क्या निकालते हैं, हमेशा ही दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेते हैं। देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 34 का आ रहा है। अब मुझे परसेंट निकालना है तो किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे, तो बटे में हो जाएगा 85 और प्रतिशत के लिए गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, तो 17 से काट दो, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, तो 5 से इसको काट दो, यहाँ पे हो जाएगा 20, यानी 40% हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपये है, दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है तथा 8% का लाभ कमाता है, यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमें निकालना है। अब देखो 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी 100 में माइनस करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, और 8% का लाभ हो रहा है, यानी 100 में प्लस करेंगे तो ये 108 हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 90 होगी तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 108। ठीक है, और इसमें दिया जा रहा है कि इसके बाद कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता, इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस 108 थी वो 108 ही रहेगी। तो अब हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेंगे, कितने का आ रहा है, 18 का, किस पे निकालते हैं,
कॉस्ट वाई पे, यानी बटे में होगा 90, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर देंगे 100 से। तो 18 से इसको काट दो, यहाँ पे होगा 5, 5 से इसको काट दो, यहाँ पे होगा 20, यानी 20% हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है, यदि वह 20% की छूट दे तो उसे 51 रुपये कम लाभ होता है, तो घड़ी का मूल्य कितना है ये हमें निकालना है। देखो इसमें कम की बात की जा रही है, और मैंने आपको बोला है कि कम और अधिक के लिए हमेशा ही क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर छूट है, ये भी डिस्काउंट है, ये भी डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट डिस्काउंट जब हो तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, यानी जो 5% की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो 51 के बराबर हो जाएगी। मुझे क्या निकालना है, मूल्य निकालना है, यानी मुझे 100% की वैल्यू चाहिए। तो 100 के लिए मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको 20 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पर भी करना होगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100% बराबर हो जाएगा 2 और 5 दूनी 10, यानी 1020 हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% बट्टा लेकर 11,250 में खरीदा। खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस हमें दी है कितना है, 11,250। इसे लाने के लिए भाड़े में 150 रुपये खर्च किए, 150 रुपये भी उसने अपनी जेब से खर्च करे, यानी ये भी कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 150 हम और ऐड कर देंगे, तथा इसे लगवाने पर 800 रुपये खर्च किया, ये भी उसने अपनी जेब से खर्च करा, यानी इसको भी कॉस्ट प्राइस में ऐड करेंगे। आगे दिया है, बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, इनको जोड़ दो, तो यहाँ पे होगा 0, 5 और 5 10 की 0, 8 1 9 2 11 1 12 को 2 1 1 2, और यहाँ पे होगा 1, यानी टोटल जो कॉस्ट प्राइस होगी वो हो जाएगी 12,200। हमें क्या करना है, 15% का लाभ करना है, यानी इसका मैं क्या निकाल दूंगा, सीधे 115% निकाल दूंगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14,030 के बराबर होगा, यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। देखो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और उसके बाद एग्जाम में किस प्रकार से सॉल्व करना है उसके बारे में भी जानेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जो मार्क प्राइस हमारे पास है वो 100 रुपये है। तो इसमें स्टार्टिंग में क्या दिया है कि पहले 10% तथा 10% की क्या दी जाती है, दो क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ दी जाती है। देखो अगर डिस्काउंट की बात की होती तो उस कंडीशन में हम 100 में माइनस करते, बट इसमें मूल्य वृद्धि की बात की है तो हम क्या कर देंगे, 100 में प्लस कर देंगे। तो पहले 10% की मूल्य वृद्धि करनी है तो 100 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा। ठीक है, फिर 10% की क्रमवार मूल्य वृद्धि करनी है तो इसी में ऐड करना होगा, तो इसका भी क्या निकाल देंगे हम, 110/100 निकाल देंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया ये, 11 का स्क्वायर यानी 121। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मार्क प्राइस पहले 100 था वो कितना हो जाएगा, मूल्य वृद्धि करने के बाद वो 121 हो जाएगा। तो कितने की वृद्धि हुई, 21 की वृद्धि हुई, किस में हुई, 100 में हुई। ठीक है, और इसका प्रतिशत निकालना है तो गुणा कर देंगे 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो टोटल मूल्य वृद्धि कितने की हो गई, 21% की मूल्य वृद्धि होगी। यानी अगर हम 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां करें या एक साथ 21% की मूल्य वृद्धि करें, दोनों आपस में बराबर होंगे। जैसे कि अलग अलग अगर हम 10-10% की मूल्य वृद्धि करते हैं तो उस कंडीशन में 100 का कितना हो रहा है, 121 हो रहा है, और अगर हम इन दोनों के स्थान पर केवल एक ही लेते हैं यानी एक ही 21% की मूल्य वृद्धि करते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 का 21% की वृद्धि यानी 100 में ऐड करेंगे तो 121/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से भी कितना हो रहा है, 121 ही हो रहा है। तो इन दोनों के स्थान पर हमने क्या कर दी, एक मूल्य वृद्धि निकाल दी। अब देखो ये तो हुई इसकी कॉन्सेप्ट की बात, अब एग्जाम में हमें इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखो मैंने परसेंटेज वाले चैप्टर में आपको एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्ट प्रतिशत बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको ये भी बोला था कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब हमें 2% दिए हैं और दोनों आपस में किसके द्वारा कनेक्टेड हैं, मल्टीप्लिकेशन के साइन द्वारा कनेक्टेड हैं, तो तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, कितना हो जाएगा, देखो एक्स की वैल्यू हमें 10% दी है और वाई की वैल्यू भी हमें कितना दिया है, 10% दिया है, तो इसमें वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा, 10+10 प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी, 10 गुणा 10 बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है,
तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो टोटल इनको ऐड कर दो तो यहाँ से भी कितना आ रहा है, 21% आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 20% तथा 20% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये हमें निकालना है। देखो इसके लिए भी हमने जैसे पिछले वाला क्वेश्चन करा था, सेम इसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो इसमें 2% हमें दिए हैं, पहला है 20% और दूसरा दिया है 20%। बट इसमें हमें क्या दिया है, आगे दिया है क्रमिक बट्टे, बट्टे का मतलब डिस्काउंट की बात कर रहा है। तो डिस्काउंट के लिए मैंने आपको बोला था माइनस का यूज़ करेंगे, तो 20% डिस्काउंट का मतलब एक्स की वैल्यू -20 होगी। फिर दोबारा डिस्काउंट दिया जा रहा है 15% का, तो वाई की वैल्यू होगी -15। फिर यहाँ पर वैल्यू रख दो, कितना होगा, -20 गुणा -15। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये -20 -15, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, +20 गुणा 15/100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कर दो, देखो 20 से इसको काट दो तो यहाँ पे होगा 5, फिर 5 से इसको काट दो, यहाँ पे कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो रहा है -35 +3, तो टोटल कितना हो रहा है, ये 32%, वो किस में हो रहा है, माइनस में हो रहा है, यानी 32% हमारा आंसर होगा। और माइनस आ रहा है तो माइनस का मतलब 32% का डिस्काउंट देना होगा। ठीक है, यानी इन दोनों क्रमिक बट्टों के स्थान पर अगर हम 32% का डिस्काउंट दें तो वो आपस में बराबर होंगे। अब देखो इसके कॉन्सेप्ट को तो हमने समझ लिया, अब इसके स्थान पर देखो लास्ट में माइनस आ रहा है, तो हो सकता है आप इसमें थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाएँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा चेंजेस करेंगे। देखो चेंजेस क्या करना है, क्योंकि डिस्काउंट की बात कर रहा होगा तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमेशा माइनस होगी, वाई की वैल्यू भी हमेशा क्या होगी, वो भी माइनस हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस में है और ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये भी माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी ये दोनों माइनस होंगे और ये प्लस हो जाएगा। और लास्ट में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर हम स्टार्टिंग में ही इसको माइनस से गुणा कर दें तो देखो क्या करेंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये एक्स हो गया, फिर ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, यानी ये होगा एक्स प्लस वाई, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन 100। तो अब प्लस माइनस का कोई सीन नहीं है, हमें केवल ये फॉर्मूला याद रखना है। तो जब भी क्रमिक डिस्काउंट की बात की जाएगी और हमें एक समतुल्य डिस्काउंट निकालना होगा तो उस कंडीशन में हम हमेशा ही इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक, तो देखो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 20 है तो यहाँ पर 20 रख दो, वाई की वैल्यू 15 है तो प्लस में 15 रख दो। ठीक है, और यहाँ पर एक्स वाई अपन 100, तो ये माइनस हो जाएगा एक्स की वैल्यू 20 गुणा 15/100। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी कितना आएगा, 32% ही आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 12.5% तथा 10% की दो अनुक्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को 6300 रुपये में बेचा गया, इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना है, ये हमें निकालना है। देखो बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस हमें दिया है, सेलिंग प्राइस कितना है, 6300 रुपये है। ठीक है, और हमें इसका मार्क प्राइस निकालना है। तो मान लीजिए जो मार्क प्राइस है वो 100 रुपये है या 100% है, मैं अगर 100% मानता हूँ। ठीक है, तो मैंने मार्क प्राइस 100% मान ली, और इसमें स्टार्टिंग में दिया है कि दो अनुक्रमिक बटे दिए जाते हैं, यानी दो लगातार डिस्काउंट दिए जाएंगे। ठीक, तो पहले 12.5% का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 100 में माइनस कर दो कितना हो जाएगा, इसका 87.5 हो जाएगा। पहले 12.5% का डिस्काउंट हमने दे दिया, फिर 10% का डिस्काउंट देना होगा, तो इसी में 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90/100 हो जाएगा। ठीक है, तो दो लगातार डिस्काउंट हमने दे दिए। अब देखो मार्क प्राइस में डिस्काउंट देने के बाद हमने ये क्या निकाल दी, सेलिंग प्राइस निकाल दी, और इसकी वैल्यू हमें दी है किसके बराबर है, 6300 के बराबर है। तो मुझे मार्क प्राइस की वैल्यू चाहिए, यानी मुझे 100% की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो 10 से 10 कैंसिल, 9 से इसको काट दो तो यहाँ पर होगा 700। ठीक है, फिर 7 से इसको काट दो तो यहाँ पर हो जाएगा 100, और यहाँ पर कितना होगा, 7 × 7, 7 × 14, 7 × 5 = 35। फिर 25 से काट दो, यहाँ पे होगा 0.5, 25 × 125 और 25 × 100। तो यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए मैं यहाँ पे 10 बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/100, तो 5 से इसको काट दो, यहाँ पे हो जाएगा 20। तो इसका गुणा यहाँ कर दो, कितना हो जाएगा, ये 4 × 2 = 8, तो 80 ये है और 2 जीरो ये हैं, तो 2 जीरो लगा दो, यानी 8000 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर इसको दूसरे तरीके से करना है तो दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, सबसे पहले दो क्रमिक डिस्काउंट के स्थान पर हम एक डिस्काउंट निकालेंगे। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। तो इसमें वैल्यू रख देंगे तो 12.5% का मतलब 12.5। ठीक है, वाई की वैल्यू होगी 10 माइनस 12.5 गुणा 10/100। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो दशमलव के यहाँ पर बटे 10 है तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1.25। अब इसको सॉल्व कर दो तो कितना आ रहा है ये, 21.25। तो देखो मार्क प्राइस अगर मैं 100% मानता हूँ तो 100% में से मुझे ये माइनस करना होगा, क्योंकि दो अलग अलग डिस्काउंट के स्थान पर मैंने अब एक ही डिस्काउंट निकाल दिया, तो कितना हो जाएगा, यानी 78.75% की वैल्यू हमें दी है, किसके बराबर है, 6300 के बराबर है। तो मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको नीचे लेके आऊँगा, तो ये हो जाएगा 78.75, और 100 की वैल्यू निकालनी है तो गुणा कर दूँगा 100 से, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 8000। ठीक है, तो इससे कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो रही है, तो जो पहले वाला मेथड मैंने आपको बताया उससे ही आप इसको सॉल्व करिए। बट अगर यहाँ पे देखो, ये तो दशमलव में संख्या दी है, बट अगर यहाँ पे अगर 30% होता या 40% होता तो उस कंडीशन में हम इस मेथड के द्वारा इसको जल्दी सॉल्व कर सकते थे। तो ये दूसरा मेथड है इसको सॉल्व करने का। ठीक, तो अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर बट्टे देता है। यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपये मिले हों तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो इसमें भी हमने जैसे पिछले वाला क्वेश्चन करा उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, दो डिस्काउंट के स्थान पर हम एक डिस्काउंट निकाल सकते हैं, तो 20 और 10 कितना होगा, 30 माइनस 20 गुणा 10/100। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दो तो 30 में से 2 माइनस कर दो, कितना होगा ये, 28%। 28% का मतलब 28% का डिस्काउंट देना होगा। ठीक है, तो दो डिस्काउंट के स्थान पर हमने एक डिस्काउंट निकाल दिया, तो मार्क प्राइस अगर 100% है तो उसमें 28% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 100 में माइनस कर दो कितना हो जाएगा, 72% बराबर हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें दी है, किसके बराबर है, 108 के बराबर है। तो मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, तो मैं 72 को नीचे लेके आऊँगा और 100 के लिए गुणा कर दूंगा 100 से। तो 12 से काटेंगे, 12 6 72 और 12 9 108, फिर 3 से काट दो, यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे होगा 3, फिर 2 से काट दो, यहाँ पे हो जाएगा 50, तो 5 3 15, यानी कितना हो जाएगा ये, 150 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक कंपनी 3 प्रकार से क्रमवार बट्टे पेश करती है, तो 3 बट्टे हमें दिए हैं और इसमें हमें क्या निकालना है, किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है। सबसे अच्छा प्रस्ताव का मतलब जो डिस्काउंट सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे अच्छा प्रस्ताव होगा। तो सबसे पहले हम पहले से ट्राई करते हैं। ठीक है, तो दो अलग अलग डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, तो इसके स्थान पर हमें एक डिस्काउंट निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है x+y - xy/100। तो सबसे पहले तो इनको जोड़ देंगे, कितना होगा, तो 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40 - xy, यानी 25 गुणा 15/100। तो यहाँ पर 25 चौकू 100, 4 से इसको काट दो, तो ये अप्रोक्स 4 बार कटेगा, क्योंकि 4 चौकू 16 होता है। तो इसमें से ये माइनस कर दो, लगभग कितना आ रहा है, ये पहला आ रहा है 36%। ठीक है, अब दूसरे की वैल्यू निकाल दो, दूसरा कितना हो जाएगा, इनको जोड़ दो, तो ये होगा 40 - 30 गुणा 10/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो इसको माइनस कर दो, ये हो रहा है 37%। ठीक, अगला कितना है, 35 और 5 कितना होगा, 40 - 35 गुणा 5/100। तो 5 से काट दो, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 20, और इसको काट दो, तो ये लगभग कितने बार जाएगा, लगभग 2 बार मान लेते हैं, तो ये कितना होगा, ये 38% होगा। तो इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे ज़्यादा ये 38% वाला है, इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, तीसरे वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। 30% 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हम इन दोनों का निकालेंगे, जो भी आएगा उसके बाद इन दोनों का निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो सबसे पहले इन दोनों का निकाल दो, फॉर्मूला क्या होता है, x+y - xy/100। ठीक, तो यहाँ पर 3 और 2 5, यानी 50 - 30 गुणा 20/100 हो जाएगा, तो 20 पंजे 100, तो 5 से इसको काट दो, यहाँ पे होगा 6, तो 50 में से 6 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा ये, 44% हो जाएगा। ठीक है, तो ये 44% आ रहा है, फिर 44% और 10% का निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर दो, तो ये होगा 54 - 44 × 10/100। तो 10 से इसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बटे में 10 है, तो ये हो जाएगा 4.4। तो इसके साथ में माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा ये, 10 में से 4 गया 6 और 13 में से 4 गया 9, यानी ये हो जाएगा 49.6%। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। तो इसमें तो हम डायरेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दो, तो ये होगा 25 - 20 × 5/100। तो 20 पंजे कितना होगा 100, 5 से इसको काट दो, यहाँ पे होगा 1, तो ये हो जाएगा 24%। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 20%, 25% तथा 10% के तीन क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो इसमें भी हम सबसे पहले इन दोनों का निकालेंगे, तो ये इनको जोड़ दो, तो ये हो जाएगा सबसे पहले 45 - 20 × 25/100। तो 25 से काट दो, 25 चौक 100, 4 से काट दो, यहाँ पे कितना होगा 5, तो ये होगा 40%। अब 40% और 10% का निकाल दो, तो कितना हो जाएगा, ये इनको जोड़ दो सबसे पहले, तो ये 50% होगा, -40 × 10/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 46% हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, डी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। देखो इसमें क्या दिया है कि क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो जो मार्क प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। या इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं, देखो 25% अधिक का मतलब 100 में ऐड करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस का कितना हो जाएगा, 125/100 हो जाएगा। यानी ये वैल्यू किसके बराबर है, अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी ये वैल्यू मार्क प्राइस के बराबर है। तो इसका गुणा यहाँ कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, तो कॉस्ट प्राइस इस पे जाएगा और मार्क प्राइस इस पे जाएगा, तो मार्क प्राइस 125 और कॉस्ट प्राइस 100। तो अगर मैं इसका अनुपात निकालना चाहूँ तो इसको और छोटा कर सकता हूँ, तो 25 से काटेंगे, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 5, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 4 होगी तो मार्क प्राइस होगी 5। ठीक, आगे दिया है, तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अंकित मूल्य कितना है, 5, तो इस पर 10% का छूट का मतलब 100 में माइनस करेंगे तो इसका 90/100 निकालेंगे, तो ये क्या निकल जाएगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकाल दो कितना होगा, इससे ये कैंसिल और इनका गुणा कर दो, 9 पंजे 45 और बट्टे में 10 है तो 0.5 यहाँ पे आएगा। इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी, 4.5 होगी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ और हानि के लिए हमेशा ही दोनों संख्याओं का डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 0.5 का। किस में निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस, तो बट्टे में होगा 4 और प्रतिशत के लिए गुणा कर देंगे 100 से, इससे ये कैंसिल कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 और 25 पंजे 125, 0.5 के कितने स्थान, एक स्थान, तो यहाँ पे आएगा। इसका मतलब कितने परसेंट का लाभ होगा उसको, 12.5% का। यानी कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।